नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं डिग्री पार्ट टू के एक हिंदी के एक बहुत ही सुंदर काव्य खंड जो कि महाकवि आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, नाम है संजीवनी, उसे लेकर आऊँगा। तो और मैं उसे लेकर हाजिर हूँ आज, ठीक है। तो संजीवनी है जिसमें कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है, ठीक है। कच्छ और देवयानी कौन थी, इसके बारे में पहले हम इस चारों के पात्र के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पात्र हैं वो हैं बृहस्पति, शुक्राचार्य, देवयानी और कच्छ, ठीक है। जिसमें बृहस्पति कौन है, कच्छ के पिता और देवताओं के गुरु। बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु। ये जो लिया गया है संजीवनी काव्यखंड, वो लिया गया है असुर संग्राम से, ठीक है, देवासुर संग्राम से। मतलब देव और असुर के बीच में पहले जो समय भगवान सब हुआ करते थे पृथ्वी पे, मतलब कि जिस समय भगवान हुआ करते थे उस समय जो है सो असुर और भगवानों के बीच में युद्ध हुआ करता था, संघर्ष होता रहता था। तो ये उस समय की कहानी है, ठीक है। तो बृहस्पति थे कच्छ के पिता, जो देवताओं के गुरु भी थे, और शुक्राचार्य थे राक्षसों के गुरु, और उनकी पुत्री थी देवयानी, है ना। तो देवयानी के पिता थे शुक्राचार्य और वो राक्षसों के गुरु भी थे, ठीक है। तो ये जो लिखे हैं कवि जो हैं, मतलब कवि बोलते हैं हम बोले तो, जो लेखक हैं इस काव्यखंड के वो हैं आरसी प्रसाद सिंह। पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1911 को बिहार के, है ना, बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा रेलवे स्टेशन के पास, है ना, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एरौत, ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1996 को हुआ था हुई हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद इनके बारे में पहले हम लोग इसलिए जान लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी जो कविता जो लिखे हैं, मतलब सॉरी काव्यखंड जो लिखे हैं, लेखक के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। तो यदि हम लोग इसे ख़त्म कर लेते तो इससे 13, 14, 15 मार्क्स तक का जो है सो इससे रहता है, इस काव्यखंड से है। तो ये 9 सर्ग में बहुत बड़ा है कहानी, है ना, लेकिन हम आज जो है सो इसका समरी लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देख लिए कि आरसी प्रसाद का जन्म 19 अगस्त 1911 को बिहार मिथिलांचल के समस्तीपुर जिला रोसड़ा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे एक गांव एरौत में हुआ था, ठीक है। तो वही एरौत गांव ही उनका जो है सो जन्मभूमि और कर्मभूमि, मतलब वही से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके इनके नाम पर ही गाँव का नाम आरसी नगर एरौत रखा गया है, अभी आरसी नगर एरौत जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीधा कहानी से शुरू करते हैं, उनका जो कहानी है उस पर आते हैं, ठीक है, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। संजीवनी जो कहानी है, संजीवनी शब्द का अर्थ होता है कि पुनः जीवन दे देना, ठीक है, ऐसी शक्ति जो पुनः जीवन दे दे, ठीक है। रामायण में भी हम लोग पढ़े थे कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी देनी पड़ी थी, ठीक है। तो इसलिए इस काव्यखंड का नाम संजीवनी है, 9 सर्गों में है, ठीक है। राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ कवि कविवर आरसी ने कच्छ और देवयानी की पौराणिक कथा का आधार बनाकर आधुनिक भारत की समस्याओं का स्पर्श किया है। तो ये जो कच्छ और देवयानी थी उनके बीच में जो है सो इसमें प्रेम प्रसंग के बारे में दिखाया बताया गया है, ठीक है, कि जिस अभी आधुनिक भारत का आधार, मतलब कि उस कहानी को आधार लेकर आधुनिक भारत की समस्याओं को दिखाया है कि आजकल के युवा जो है सो प्यार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, है ना, पर प्यार को त्याग नहीं सकते हैं। तो ये कहानी उसी पे जो है सो उस पे जो है सो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कटाक्ष करता है, ठीक है, अभी के युग पे, है ना। तो ये कहानी शुरू होता है देवासुर संग्राम से, जो बहुत ही प्राचीन कथा है, ठीक है। देवता और दानवों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था, है ना। देवताओं ने बार बार दानवों को हराया, देवता सब हरा देते लेकिन फिर से वह पुनः दोबारा ज़्यादा शक्ति से जो है सो देवताओं पे प्रहार करते थे, ठीक है। तो युद्ध हमेशा चलता रहता था, इसका कारण यह था, वो लोग दुगुना शक्ति इसलिए हो जाता था उन लोगों का क्योंकि उनका कारण था उनके जो गुरु थे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, है ना, उनके पास संजीवनी विद्या थी, मतलब पुनः से जीवित कर देने की विद्या थी, ठीक है। तो जो राक्षस मरता था उनको जो है सो शुक्राचार्य फिर से जीवित कर देते थे और वो सब जो है सो बहुत ताकतवर हो जाते थे। इस सब को देखते हुए भगवान जो है सो चिंतित हो गए, भगवान के जो थे देवराज इंद्र वो चिंतित हो गए, ठीक है। देवताओं के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जितने ही भगवान थे सबके सामने समस्या हो गया, ठीक है। सभा चल रहा था जिसमें देवताओं का सभा था कि इस राक्षस को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति वो बोले कि इसका एक ही उपाय है, ठीक है, कि किसी भगवान के पुत्र को, ठीक है, शुक्राचार्य के पास, है ना, उनका मतलब कि उनका जो है सो गुरु शिष्य बन के जाना पड़ेगा, मतलब किसी भी देवता के पुत्र को शुक्राचार्य का शिष्य बन के जाना पड़ेगा, ठीक है, और उनसे जो है संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा, ठीक है, तभी जो है सो वो राक्षसों पर विजय पा सकेंगे, ठीक है।
तो कोई भी भगवान है ना, कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि वो कोई भी भगवान जाएंगे तो उनको जो है सो वो संजीवनी विद्या नहीं मिल पाएगी, राक्षस है तो राक्षस अब तो उनको मार ही देगा ना, संजीवनी विद्या क्या देगा। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, और यदि गुरु को यदि कोई भी शिष्य मिले है ना, तो वो उनको ये नहीं देखते हैं कि कौन है, भगवान है कि सूर है, उससे नहीं मालूम मतलब है उनको, ठीक है, वो उनको शिक्षा देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी भगवान जाना नहीं चाहता था, क्योंकि राक्षस के कुल में कौन जाना चाहेगा, ठीक है, वो सब तो मार ही देगा उसको। तभी जो है सो सभा के बीच में ही जो है सो बृहस्पति का पुत्र जो है सो कच्छ था, है ना, बहुत ही तेजवान था, मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही उसके अंदर में जिगरा था। वो खड़ा हुआ और बोला कि मैं जाऊँगा है ना शुक्राचार्य से, मैं विद्या प्राप्त करने के लिए जाऊँगा। जितने भी भगवान थे सब चौंक गए, ठीक है, कि सब उनको बोले भी कि यहाँ यम कुबेर आदि दीपकाल जैसे वीर शिरोमणि खड़े हैं, फिर भी तुम क्यों जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो वो बड़ा उत्साह से बोला कि पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है, ठीक है, तो और संसद की कृपा हो तो मैं गुरु सेवा में आज समर्पण कर दूंगा, मतलब कि मैं उनका शिष्य बन के जाऊँगा, ठीक है, और संजीवनी विद्या सीख कर आऊँगा, ठीक है। बृहस्पति भी खुश हुए, उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है। इस प्रकार वो जो है सो शुक्राचार्य के यहाँ है ना जाने के लिए तैयार हुए, ठीक है। नगर के कोलाहल से दूर शांत तम सातट पर तपोवन के एकांत आश्रम में शुक्राचार्य रहते थे। शुक्राचार्य जहाँ रहते थे वहाँ गए, ठीक है। जब कच्छ वहाँ पहुँचा तो उस समय उनकी पुत्री देवयानी से भेंट, मतलब जब वहाँ कच्छ पहुँचा तो उनके मतलब कि शुक्राचार्य वहाँ नहीं थे, उनकी पुत्री थी, ठीक है, जिनका नाम देवयानी है, ठीक है। कच्छ ने गुरु से भेंट करने की प्रार्थना की तथा अपना प्रयोजन भी बतलाया, ठीक है। उसने देवयानी को बताया कि वह क्यों आया है वहाँ पर। देवयानी के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, उसने समुचित सत्कार किया तथा कच्छ को आश्वासन दिया कि उसका मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा, ठीक है। तो देवयानी उनको देखकर उनके उनके लिए उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है, और उन्होंने उसका सत्कार किया है ना, कच्छ का सत्कार किया और उनको आश्वासन दिया कि उनकी जो मनोरथ जो लेकर वहाँ है वो जरूर पूरी होगी, ठीक है। कच्छ गुरु शुक्राचार्य के चरणों पर विनीत हुआ, जब वो जब गुरु आए शुक्राचार्य तो वो उनके चरण को स्पर्श किया, ठीक है, और अपने शिष्य और उनका शिष्य बनने की चाहत प्रकट की, ठीक है, शिष्य बनना चाहे। तो गुरु उनकी भक्ति से देखकर है ना बहुत खुश हुए है ना, और उनको आशीर्वाद दिया और अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। 10 शतवर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर कच्छ उनका शिष्य बन गया, और एक योग्य कुशल शिष्य की तरह गुरु के चरणों का आशीर्वाद तथा निश्चल हृदय देवयानी का स्नेह पाकर अपनी साधना में जुटा। वो जो है सो मेहनत करने लगा है ना, गुरु से जो है सो ज्ञान गुरु से ज्ञान प्राप्त करने लगा शुक्राचार्य से, है ना। वो कठोर परिश्रम करता, गुरु की आज्ञा और साधना की धूप से ना तो वो विचलित होता और ना ही देवयानी की प्रेम की चांदनी से ही चंचल होता, मतलब सिर्फ वो जो है सो गुरु की आज्ञा को मानता था है ना, लेकिन देवयानी के जो उससे प्रेम करती थी वो उससे जो है सो उसके मतलब कि अति में नहीं आती थी, है ना। साधना के पथ पर अविचलित और अविश्रांत भाव से वह गतिशील था, मतलब सिर्फ उस वो इतना ही चाहता था कि उसे किसी तरह से जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बस उसको वो उसके मतलब कि देवयानी के प्रेम से कोई भी वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता था, ठीक है। इधर कच्छ के प्रति राक्षसों में कौतूहल जगा, जितना भी राक्षस था है ना उस सबको भी भनक लग गया कि ये जो है सो गुरु मतलब सॉरी भगवान बृहस्पति का पुत्र है, ठीक है, मतलब ये देवताओं का पुत्र है, तो ये हम लोग को जो है सो मारने के लिए जो है सो संजीवनी विद्या का ज्ञान ले रहा है गुरु शुक्राचार्य से, ठीक है। तो उस सब में कौतूहल जग गया, गुरु शुक्राचार्य के भय से हुए प्रत्यक्ष तक कुछ नहीं बोल पाते थे, मतलब अब वो तो वो शिष्य बन गया है ना कच्छ, और प्रिय शिष्य बन गया है, तो राक्षस सब जो है सो गुरु शुक्राचार्य के सामने खुल के नहीं बोलता था, ठीक है। लेकिन उनके मन में हृदय में घृणा और द्वेष का दवानल दहक रहा था, मतलब वो लोग जो है सो उसके मन में घृणा तो था कच्छ के प्रति, लेकिन वो गुरु के सामने नहीं बोल पाता था, ठीक है। एक दिन एकांत पाकर धनुज बालकों ने स्नेह का छल बिछाकर कच्छ से सारी बात जान ली, ठीक है। दानव जो था, दानव धनुज बालकों मतलब ये सब दानव है, वो जो है सो मतलब राक्षस है, राक्षस जो है सो कच्छ से जो सारा बात जान लिया है ना, निष्कपट कच्छ कुछ नहीं छिपा पाया, और सब तब दुष्ट बालकों ने उसे मार डाला, मतलब सारा कहानी बता दिया कि वो क्या प्रयोजन लेकर के आया है, वो संजीवनी विद्या सीख कर जाता और राक्षसों को मारता, तो प्रयोजन बता दिया, तो राक्षस जो है सो उससे जो है सो उस समय क्या किया, वो लोग दुष्टता से जो है सो उसको मार दिया, ठीक है। संध्या हो जाने पर भी जब कच्छ आश्रम नहीं आया तब देवयानी का हृदय शंका और भ्रास से भर उठा, और उसके हृदय में कच्छ के प्रति निश्चल प्यार पनप चुका था, ठीक है, जब क्योंकि उसको मार दिया था कच्छ को, ठीक है। तो जब वो शाम तक आश्रम नहीं लौटा, ठीक है, तो जो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी वो अपने पिता को बोली कि अभी तक जो है सो कच्छ नहीं लौटा, ठीक है। तो और विफल होकर अपने पिता के पास पहुंची और अत्यंत आतुर भाव से अपने भय का निवेदन किया, मतलब कि वह भय बतलाई अपना कि जो है सो अभी तक कच्छ नहीं आया, पता नहीं उसे क्या हो गया, ठीक है। तो शुक्राचार्य के पास तो संजीवनी विद्या थी, तो उन्होंने मंत्रोच्चार किया तथा कच्छ का आह्वान किया, ठीक है, कच्छ को आह्वान किया।
दूर दूर तक उसका स्वर प्रतिनिधित्व उठा उत्तर उत्तर रूप में, सुदूर देश में कच्छ की आवास में, जहाँ पे उसको मार दिया था वहाँ से उनको आवाज़ सुनाई पड़ा, ठीक है। और संजीवनी विद्या से उन्होंने उसको जो है सो जीवित कर दिया, ठीक है। और थोड़ा देर के बाद कछु वहाँ भी गया, देवयानी के अश्रुपूरित नयन खुशी से नाच उठे। देवयानी जो है सो खुश हो गई है ना उसको देख करके, है ना, कच्छ को देख करके। कच्छ ने पूरी कहानी सुनाकर शुक्राचार्य से उसे सावधानी रहने की सीख दी, ठीक है। देवयानी ने संकल्प किया कि वो भविष्य में कच्छ को अकेले वन में कभी नहीं जाने देगी। देवयानी खुश हो गई, लेकिन उन्होंने वो बोली कि वो कभी भी जो है सो कच्छ को अब अकेले वन में नहीं जाने देगी। साधना का रथ बढ़ चला, पर राक्षसों के बीच खलबली मच गई थी, है ना। राक्षस अभी भी जो है सो खलबली मच गई थी उन लोग के बीच में कि अभी भी तक जो है सो कच्छ जिंदा ही है। उसका द्वेष बढ़ता गया और किसी उपयुक्त अवसर की खोज में थे, और दूसरा वो लोग अवसर ढूंढने लगा कि कब और मौका मिले कि हम कच्छ को फिर से मार दें, है ना। कच्छ पूजा है तू जब मधुबन से फूल चुना, तो राक्षसों ने पुनः मार डाला। एक बार फिर जो है सो जब वो पूजा के लिए फूल चुन रहा था, फूल को चुन रहा था कच्छ, तभी फिर राक्षसों ने उसको मार डाला, ठीक है। और उसके अस्थि मांस को पीस कर जल की धारा में विसर्जित कर दिया। अलग अलग तरह से वो उसको मारने लगा, ताकि जो है सो ऐसे मारो कि जो है सो उसको गुरु शुक्राचार्य फिर से जीवित नहीं कर पाए, ठीक है। एक बार फिर देवयानी के आकुल अंतर को स्नेह शिथिल हृदय को शांति तथा उल्लास देने हेतु गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित कर दिया। फिर जो है सो वही हुआ, शुक्राचार्य फिर से उसको जीवित कर दिए देवयानी के कहने पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरा बार फिर जो है सो वो लोग मारने का प्लानिंग किया, ठीक है, राक्षस सब कच्छ को। एक दिन राजभवन के किसी उत्सव में गुरु और देवयानी दोनों गए थे। कोई राजभवन में कोई उत्सव था, तो गुरु शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी दोनों गए हुए थे। कच्छ आश्रम में अकेले था, है ना। फिर राक्षसों ने छल का सहारा लिया और कच्छ को फिर से मार दिया, ठीक है। कच्छ को लगा मानो आश्रम की गाय, मतलब कि उसको बोला था गुरु शुक्राचार्य की बाहर नहीं जाने के लिए, लेकिन उसको ऐसा छल किया वो लोग कि जैसे लगा कच्छ को कि बाहर गाय जो है सो चिल्ला रही है ना। वह अस्त्र लेकर गौरक्षा के लिए बाहर निकला, है ना। राक्षसों ने फिर अवसर पाकर उसको मार दिया, ठीक है। इस बार क्या किया राक्षस सब, उसका जितना अस्थि मांस है उसको जला कर जो है सो गुरु के पेय में मिला दिया, मतलब गुरु शुक्राचार्य के, है ना, पेय में, मतलब पीने वाला कोई जल या कुछ भी रहा होगा उसमें उसने मिला दिया, ठीक है। गुरु आए, उनको कोई भी शंका नहीं हुआ था कि क्या है नहीं है, वो क्या किए जल को पी गए, ठीक है। रात में जब शुक्राचार्य और देवयानी आश्रम आए तो कच्छ का कहीं पता नहीं था, ठीक है। अब जो वो सब जब आए पानी तो वो पी लिए थे, लेकिन अभी भी उनको जो है सो कच्छ का कोई पता नहीं था। फिर देवयानी जो है सिहर उठी, उसने फिर पिता को बोला कि फिर कच्छ नहीं कहीं दिख रहा है। पिता के समक्ष गिड़गिड़ाने लगी, उसकी कातर वेदना युक्त आग्रह ने एक और फिर शुक्राचार्य को कच्छ को जीवित करने के लिए विवश कर दिया। फिर से शुक्राचार्य जो है सो उसको संजीवनी विद्या से जीवित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार जब वो मंत्रोच्चार किए तो उनके पेट में जो है सो वो जीवित हो गया, है ना, कच्छ, क्योंकि वो तो पी लिए थे ना द्रव्य, तो वो जो पी लिए थे तो उनके पेट में वो जीवित हो गया, ठीक है। अब जो है सो गुरु शुक्राचार्य के लिए धर्म संकट हो गया। अब धर्म संकट ये हो गया कि यदि वो मतलब कि कच्छ जो है सो निकलता तो उनके पेट चीर कर निकलता, पेट चीर कर निकलता तो गुरु शुक्राचार्य नहीं रहते, उनकी मृत्यु हो जाती, ठीक है। और तो लोकलाज, गुरु का पेट चीर कर निकलने का अर्थ होता कि गुरु की मृत्यु, और ऐसा कच्छ भी नहीं करेगा, कच्छ भी नहीं करेगा, वो पेट चीर के नहीं निकल सकता है बाहर, क्यों ना, क्योंकि गुरु है, गुरु का जो है सो कैसे वो खुद जीवित होने के लिए गुरु को मार देगा। अंत में देवयानी का अत्यधिक आग्रह देखकर गुरु ने कच्छ को वही संजीवनी विद्या का ध्यान दे दिया। मतलब अभी इससे पहले उनको, मतलब कच्छ को जो है सो गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या नहीं दिए थे, लेकिन इस समय देवयानी के कहने पे पेट में ही उनको जो है सो संजीवनी विद्या, सॉरी गुरु शुक्राचार्य ने उसको पेट के अंदर ही संजीवनी विद्या दे दी, ठीक है। और जब संजीवनी विद्या उसको मिल गया तो वो जो है सो पेट चीर कर बाहर निकला, फिर गुरु मर गए, तो फिर जो संजीवनी विद्या मिला था कच्छ को, उससे फिर से गुरु जी को जीवित कर दिया, ठीक है। साधना की सिद्धि अवसर पर कच्छ ने गुरु चरणों पर सिर रख दिया, ठीक है। स्नेह शिथिल गुरु ने उसे अपने पुत्र की समकक्षता दी तथा उसे जीवन आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो उसको जो है सो आशीर्वाद दिए, गुरु शुक्राचार्य दोनों जीवित थे, ठीक है। अभी जो पूरा खंड काव्य था ये नौ बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हम लोग समरी किए हैं। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पूर्ति के पश्चात जब एक बार कच्छ ने देवलोक जाने का निश्चय, मतलब तो सब संजीवनी विद्या भी सीख गया था, ठीक है, तो कच्छ बोला कि अब वो देवलोक जाना चाहता है, ठीक है। अब देवयानी को लगा कि नहीं, अब जो है सो बोलना ही पड़ेगा कि वो उसके प्रेम में है, तो देवयानी ने उस पर प्रेम प्रकट करके उसे रुक जाने की प्रार्थना की, है ना। जो देवयानी थी वो उसको रुकने का प्रयत्न किया, है ना। कच्छ ने अपने कर्तव्य पालन की बात कहकर देवयानी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। कच्छ क्या कर्तव्य पालन किया, मतलब कि वो ये सोच गया था कि सिर्फ वो संजीवनी विद्या सीखेगा और फिर वो, क्योंकि वहाँ उन्होंने भगवानों से यही वादा किया था कि हम सिर्फ कच्छ मतलब कि सॉरी संजीवनी विद्या सीखेंगे और शुक्राचार्य से फिर हम वापस आ जाएंगे, इसलिए वो अपने कर्तव्य की पालन
कालन की बात कर जो है सो देवयानी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। साथ ही यह भी बात भी स्पष्ट कर दी कि भगिनी के रूप में गुरु सूता से वह विवाह नहीं की बात नहीं सोच सकता, मतलब गुरु की पुत्री से है ना वह विवाह की बात भी नहीं सोच सकता, मतलब कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। अंत में निराश होकर देवयानी ने कक्ष को श्राप दे दिया है ना, उसको श्रापित कर दिया है ना, देवयानी जो है उसको श्राप कर दिया कि विद्या है ना जो संजीवनी विद्या वो सीखा है वो कक्ष के काम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा श्राप देने में गलती कर दी, गलती ये कर दी कि वो बोले कि वह काम नहीं आएगा, मतलब वो नहीं कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोले कि वो भूल जाएगा संजीवनी विद्या, वो किसी और को सिखा सकता है ना, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया है ना। कक्ष ने भी देवयानी के क्रोध को अनुचित बताकर उसे किसी क्षत्रिय की पत्नी बनने का श्राप दे दिया। ऐसा कक्ष को जो है सो कोई दुखी नहीं हुआ इससे है ना, क्रोधित भी नहीं हुआ है ना देवियाँ तो। और अच्छा वो जो है सो उसको क्या श्राप दे दिया कि तुम्हारा शादी जो है सो किसी क्षत्रिय से होगा। ठीक है, तदुरुपरांत कक्ष ने देवलोक जाकर संजीवनी विद्या का प्रचार कर देवताओं में उत्साह भर दिया और देवताओं ने धर्म युद्ध में तत्पर होकर दानवों को परास्त कर दिया। ठीक है, दूसरों को भी सिखाया, दूसरों को प्रसार किया संजीवनी विद्या का, दूसरे दूसरे भगवान देवताओं में। ठीक है, सभी सीखे, फिर देवताओं ने जो है धर्म युद्ध में भाग लिया और दानवों को जो है सो पराजित किया, स्वर्गलोक में सुख और शांति छा गई है ना। तो यही है संजीवनी की कथा है ना, कि देवयानी और कच्छ के बीच में जो प्रेम कथा था है ना, तो कर्तव्य के आगे जो है सो वो कच्छ ने जो है सो मतलब कि देवयानी के प्रेम को ठुकरा दिया। उसके पीछे दो लॉजिक दिया कि वो कर्तव्य का पालन करेगा और दूसरा ठीक है कि वो गुरु पुत्री से जो है सो विवाह करने का सोच नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ऐसे ही आपको, और डिग्री 2 का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।